वेलकम टू सचिन गर्ग एंड फैमिली व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन गर्ग एंड फैमिली व्लॉग्स। आज है निर्जला एकादशी और हम हैं कहाँ पर? हम मम्मी के घर पे है ना, नानी हाउस। निर्जला एकादशी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। अब हम नस रहे हैं, जय हो काशी माता। देखो ये मैंने नस दिया है और ये मम्मी ने। अब हम जा रहे हैं सारा सामान देने मंदिर में, जो हमने मिलसा था सारा, खरबूजे, पंखा, रोबजा और लोटे। देखो नोना लेके जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, और मेरे पास सारा सामान है। काकू उधर से हो जा। जय हो काशी माता तेरी जय हो। हम आ गए हैं मंदिर में और सामान भी दे दिया है। फ्रेंड्स देखो, आज मंदिर में ये कलश रखे हुए हैं बाहर, मंदिर के बाहर, और वहाँ पे रोबजा की तैयारी हो रही है। अब बच्चे ले आए हैं मंदिर से डायरेक्ट स्टेशनरी शॉप पे। अब इनको लेने हैं यहाँ पे टॉय। देखते हैं अभी क्या लेते हैं ये। अब बच्चे आ गए हैं आइसक्रीम लेने मदर डेयरी पे। महाकोला जिंदाबाद। महाकोला तू कौन सी लेगा क्या? वाओ वाओ, हाँ उसमें से देख के है ना। महाकोला अच्छी लगती है क्या? है ही नहीं। ले लेमन ले ले, लेमन है, लेमन ले लिया। आइसक्रीम कौन सी? लेमन। अब घर जाके छील के खा लेना फटाफट। चलो अब मैं पढ़ रही हूँ एकादशी व्रत कथा में से। देखो ये निर्जला एकादशी, जेठ शुक्ला की निर्जला एकादशी की कथा। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सचिन गर्ग एंड फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 1 जून और आज बच्चे भी आ जाएंगे, तो मैं उनको लेने जा रहा हूँ आज। अभी मैं यहाँ पे आ गया था इनको नानी के घर लेने के लिए। तो ये नोना को देखो, अब ये नोना अपने घर जा रहा है। तो नोना नोना ये देखो, ये देखो नोना को देखो, नहीं जाना कुछ आ रहा है इसको। देखो देखो ये देखो, ऐसे करते हैं ये बच्चे। हाँ जी, तो अब हम चल रहे हैं अपने घर और मम्मी के घर से वापस घर जा रहे हैं। देखो सारी पैकिंग भी हो चुकी है। ये देखो सामान सारा कम्प्लीट हमारी। चले अब घर पे है ना। क्या हुआ? नहीं जाना, नानी हाउस रहना है। ठीक है मम्मी, बाय। अभी देखो ये बाय कर दो नोना। कुछ तेरे को ज्यादा मजे आ रहे हैं बैठ के। क्या हुआ? इससे ज्यादा फास्ट है, तेज है, डायरेक्ट हम आ रही है कुछ मुंह पे है ना। क्या हुआ बाबू? नींद कुछ नई नई जीन्स पहन के आया है ना बाबू। दिखाओ अपनी जीन्स, दिखाओ कुछ ने दिखा दी है ना। कुछ कितने दी जीन्स? किसने दी जीन्स? किसने दी टीका? अच्छा टीका किसने किया? नानी ने। तो नानी ने जीन्स दिया, मिट गया, कोई बात नहीं, दोबारा जाएंगे ना फिर करा लेंगे नानी से। ठीक है, कहाँ आ रहा है नोना? कहाँ आ रहा है बता? पीछे ही रहा है और क्या, आगे जगह नहीं है बेटा। देख कुशु भी फाइनली सो गया है। देखो फ्रेंड्स, कुशु को गाड़ी में जरूर नींद आती है। और मम्मी काकू को आगे घर की तरफ था तो काकू ने शक्ल कैसे ले ली है और क्या है ना, शेव नहीं करवा रखी है, ऐसा लग रहा सो के उठता है परिवार के बिना। एक हफ्ता है ना, कैसा निकला जी ये तो बताओ। कतई जहर रहन दो, रहन दो। कहते झूठ बोलते हैं ना सारे पति। नहीं बोल कुछ नहीं।
अभी गाड़ी में क्या हुआ नोना के साथ कि नोना का एक टूथ टूट गया, एक दांत टूट गया है ना, खिल रहा था पहले ही। दिखा कौन सा टूटा है, पीछे नीचे वाला टूटा है ना। हाँ ये देख नीचे वाला, हाँ देखो ये रहा है ना। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जितने भी पति लोग हैं सबको पता है कि जब बीवी चली जाती है तो कितने मजे किस लेवल की खुशी मिलती है, किस लेवल की, और जब वो आ जाती है तो किस लेवल का दुख मिलता है। दुख तो तुम मेरी शक्ल से अंदाजा लगा सकते हो। बाबा बन गए बाबा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं इधर बच्चों? मम्मी जी से मिलने जा रहे हैं ना हम सब। मैं तो चिंगम वाली कर लूंगा, तो मैं तो बस चीज चाहिए है ना। मम से ये मम ठंड चले फिर, चलो फटाफट लॉक करें। ओहो मम पी के फिर चलते हैं ना, मम पी लो। ओके मेरी जान है मम्मी, मेरा दांत टूट गया। दिखा आज एक और टीथ टूट गया इसका है ना, कल एक टूटा था आज एक और टूट गया। पहले ऊपर के दो टूटे फिर अब नीचे के दो टूट गए, ऊपर के आ गए है ना। फिर ऊपर के दो टूट गए फिर। मम्मी हाँ देखो कुछ दिन पहले की बात है, क्या इसको आपको ना सैंडविच बनाने था तो और ब्रेड घर पे खत्म हो गए थे तो मुझे भेजा था आपने ब्रेड लेने। ठीक है ठीक है, फिर जब मैं लेने गया था फिर आपने इसको भी भेजा था मेरे पास क्योंकि ये रो रहा था। फिर जब हम दुकान पे पहुंचे ना मैं तो ब्रेड ले लिया, फिर ना एक चिप्स था उसका नाम नहीं पता लेकिन ना वो रिफिल गया कि मुझे वो चिप्स चाहिए। ये ना बहुत जिद करने लग गया, जैसे ही दुकान को देखता है ना हाँ, ना बस वहीं से। अब इसको ना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना डांट पड़ा करेगी बस। हाँ है ना, इसको क्या कर रहे हो? ऊपर नहीं ले रहे। कहाँ है ढोलक, कहाँ है आपकी? ये पानी क्यों उतारता ही ले हो? ये तो सुबह ही कहीं रह गई, ऊपर नहीं निकाल के देखिए बचाओ। यारे दर दी जब अरे नीचे तक कर। हाँ अब सही है। यस यस डग 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 खड़ा होके करके दिखा। हाँ देखो पुशु खड़ा हो जाएगा, वेरी गुड। ये क्या क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? डॉम डॉम होता है ये, डॉम 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 डॉम। और ढोलक बज रहा है। हाँ बना रही हूँ, कह रहे हो गुलाब जामुन खा रहा है काकू? काकू गुलाब जामुन कैसे है? काकू गुलाब जामुन किसने दिए? क्या चाहिए इसको? इसका तो बस फोन 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 चाहिए। खाटू श्याम हो जय श्याम बता। प्रसाद अच्छा पापा जी आए हैं ना, दादू आए ना तेरे कहाँ से? खाटू श्याम से। क्या लाए हैं? लड्डू है ना, बोलियो जय श्री श्याम। देसी घी स्वाद है वैसे है ना, टेस्ट अच्छा है। मोटी बूंदी का ना ज्यादा मोटी, हाँ हाँ ज्यादा मोटी थी। मोटी बूंदी का देसी घी के लड्डू में अलग ही स्वाद आता है। खाटू श्याम वाले ना कलरफुल से होते हैं जिसमें लाल हरी होती है ना। बीज बीज से भी होता है, वो बीज काय का होता है? बीज नहीं वो मगज, मगज जो उसमें डालते हैं, कोई ड्राई फ्रूट होता ना जैसे ठंडाई वगैरह में भी खरबूजे के बीज मगज बोलते हैं। काजू थोड़े होते हैं, काजू लगाते हैं कई बार। अच्छा ये काजू ऐसे लगाएंगे खड़ा सा कर दिया खाने के लिए? नहीं खड़ा कर दिया हाँ। इस तरीके से है ना, कैसा लग रहा हूँ? क्या स्मार्ट लग रहे हो? और क्या ठीक है? ताजी ताजी हाँ अभी तो बना कर आये हो ना। अरे एक बार तो बिल्कुल क्लीन क्लीन लगते हो ना, एक बार तो बिल्कुल क्लीन लगते हो ना एकदम साफ साफ, फिर थोड़े दिन में फिर आ सके। चलो आ जाओ तुझे फ्रेश हो गया, फ्रेश है ना बाबू? अब चलो मैं फट घर पे बाय बाय कर दो। बाय बाय मुझे थोड़ी अम्मा को देखे, मुझे बाय मुझे बाय करके जा रहा है। चलेंगे मम्मा को भी कहते हैं, मम्मा को। अच्छा वो फ्रेंड्स को बाय बाय कर रहा है, वो कह रहा है बाय बाय फ्रेंड्स बाय बाय। कुछ पैदल जा रहा है अम्मा से घर, क्यों पापा बिठा नहीं रहे स्कूटी पे? हम पैदल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नोना को आगे खड़ा होना था हाँ। है ना हाँ। और खुशबू आगे खड़ा हो गया हाँ। तो अब नोना क्या करे
इसीलिए हम पैदल जा रहे हैं। हाँ तो इसलिए उन्होंने कह रहा है कि चलो मम्मी मैं और आप पैदल चलते हैं, है ना? क्या हुआ, डर लग रहा है? क्यों? तो कह रहा था मम्मी पैदल चलो। अब हम नमः शिवाय है, भगवान जी याद आ गए। अच्छा जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अच्छा बोल मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। अब ठीक है, लेकिन अब नोना को इससे क्या सीख मिली आज कि भाई कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में जैसे तूने बोला कि मम्मी चलो हम पैदल चलते हैं, तो नोना बीच में डर गया था, है ना? लेकिन फिर हमने क्या किया, भगवान जी का नाम लिया। अब तो ना मैं दोबारा करूँगा। क्यों? क्योंकि अब तो मुझे डर लगेगा। बेटा तो भगवान जी ऐसे नहीं बोलते ना कि बार बार तुम गलती करो फिर मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। तुम समझदारी से चलो, और तुमसे गलती हो जाए तो मैं तुम्हें आने बचाने आऊंगा ना, ठीक है ना? तो इससे आपको ये सीख मिलती है कि कभी भी ऐसे नखरे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, और मम्मी पापा की बात मान के चलना चाहिए, है ना? और मैंने इसका साथ इसीलिए दिया ताकि इसको ये सबक या सीख मिल सके, क्योंकि ये पहले भी बोलता था कि मम्मी पैदल चलते हैं। अब ये इतनी रात को पैदल आया है अकेला मम्मी के साथ, तो इसे पता लगा। तो हम मम्मी जी के घर से फाइनली मैं और नोना पैदल पैदल अपने घर आ गए हैं। काकू और इसके पापा स्कूटी से, है ना? और नोना तेरे को सबक मिला, सीख भी मिल गई तुझे। देखो सीख मिल गई ना कि अब कोई गुस्सा नहीं दिखाना, कोई नखरे नहीं करने, और मम्मी पापा की बात माननी होती है हमेशा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सचिन गर्ग एंड फैमिली व्लॉग्स।